भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी के समर्थन में मुख्यमंत्री की जनसभा। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। रीवा के त्योंथर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी के समर्थन में विधानसभा क्षेत्र के गढ़ी में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व समर्थकों ने आकर कार्यक्रम को सफल बनाया। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में पहुंचकर माता बहनों एवं आए हुए सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की, जहां सीएम शिवराज ने संबोधन के साथ डैमेज कंट्रोल करते हुए भी देखा। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सीएम ने सभा संबोधन के साथ त्योंथर के वर्तमान विधायक जो हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में मंच छोड़ नीचे बैठ गए थे, जिस पर यह बात काफी तूल भी पकड़ ली थी। तो वहीं सीएम शिवराज ने श्यामलाल द्विवेदी के पूरे शान की सम्मान बात को मंच से कह डाली, जिससे यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं सीएम भी विधायक श्यामलाल को मंच से ही मनाने की फिराक में लगे हुए थे। वहीं सीएम शिवराज अपने कार्यों के बखान करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही लाड़ली बहना योजना की धनराशि को बढ़ाकर 3,000 कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। कार्यक्रम के अंत में संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी के पक्ष में मतदान करने की अपील करने को कहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में 50 वर्षों में परिवार को वह सम्मान नहीं मिला जो एक महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पर मिला। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और आने वाले समय में भाजपा के पक्ष में मतदान कराकर त्योंथर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी विजय श्री दिलाएंगे। से चर्चा की और कहा कि बेटा तुम समझो, इतिहास में पहली बार ऐसा भारत में हुआ है कि एक यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे जो गरीब को उसकी मड़ई से उठाकर पक्के मकान में रखते हैं। साथियों, पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है। तो बोलिए एक बार भारतीय जनता पार्टी। एक एक की बिल्डिंग 30-30 32-32 करोड़ रुपए की। श्यामलाल जी, श्यामलाल स्कूल का बन रहा है, क्यों घर में बन रहा है? अभी कितनी बनी बेटी? काम शुरू हुआ है, शानदार स्कूल बना रहा हूं। एक एक की बिल्डिंग 30-30 32-32 करोड़ की। लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, खेल का मैदान, बस रहने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। और ऐसी पढ़ाई जो प्राइवेट स्कूलों को मात करेगी। धनु बन्ना कल्लू मन्ना, तेरे बेटा बेटी अब अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, निःशुल्क पढ़ेंगे। फिर 10 तारीख आ रही है मेरी बहनों, फिर 10 तारीख आ रही है, लेकिन इस बार 10 को नहीं, 10 के पहले ही डाल देंगे, क्योंकि धनतेरस है। 10 को धनतेरस में करो, खुशी से दिवाली मनाओ, अच्छी साड़ी लाओ और बेटा बेटी का सामान भी खरीदो। लेकिन एक दो बात और, एक कई महीने रह गई है, ऐसा श्यामलाल जी ने मुझे बताया था कि कई महीने छूट गई है। तो जो महीने छूट गई है वो सुन ले, सरकार बनने के बाद पोर्टल खोल के जो बैंक छूट गई है उनके नाम भी जोड़ दिए जाएंगे। द खबरदार न्यूज से आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।